अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है वो पता होना चाहिए। तो अज्यूम करते हैं कि निफ्टी चल रहा है 16,200, तो 16,200 के सबसे करीब की जो राउंड लेवल है यानी कि 16,200 ये आपके लिए है एट द मनी। एट द मनी का मतलब अब जहां हम है वहां की, ओके। उससे ऊपर अगर आप सीई का ले रहे हैं तो ऊपर की स्ट्राइक प्राइस जो होगी जैसे कि 16,250 वो आपके लिए हो जाएंगे ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी। एंड जिसके नीचे की जो होगी 150 वगैरह 16,150 वो आपके लिए हो जाएगी इन द मनी। एंड अगर आप पी में लेते हैं यानी कि अगर आपका व्यू नीचे है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये सब उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। तो नीचे की आपके लिए हो जाएगी ओटीएम, ऊपर की आपके लिए हो जाएगी आईटीएम, लेकिन एटीएम सेम रहेगी। तो बिगिनर्स ने हमेशा एट द मनी में ट्रेड करो, थोड़ा सेफ रहेगा। एंड अगर आपका जो व्यू है वो 3-4 दिन के लिए आप पोजिशन रखना चाहते हैं तो हमेशा इन द मनी की ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि फास्ट मोमेंटम होने वाला है तो ओटीएम प्राइस आप लेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच।